ऐसा लगता है। भाई जी ये इसकी साइड से लुक देख लो, दो चार्जर रहेंगे सर। हाँ, एक तो आप घर पे जो यूज़ करते हैं वो आ रहा था, ये वाला, एक जो आप पंप पे यूज़ कर सकते हैं वो आ रहा था। ये दोनों, अच्छा ये वाला है नॉर्मल चार्जर जी, जो नॉर्मल मिलेगा चार्जर है, और एक ये वाला है नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये पंप पे यूज़, पंप पे यूज़ हो जाएगा। ओके, अभी लगेगा ये, ये हो गया बंद चार्जिंग। गाइज ये है सिट्रॉन की ईवी, अभी दो दिन पहले ही लॉन्च हुई है। ये है सिट्रॉन की ईवी, अभी दो दिन पहले लॉन्च हुई है। एक्स शोरूम इसकी है 11:30 और लगभग ये पड़ेगी आपको 12:30 ऑन रोड। 12:30 एक टेंटेटिव आइडिया है बताने के लिए, अभी इसका रेट डिसाइड नहीं हुआ है। राइट, रेट एक्चुअली क्या है सर, डिपेंड करता है, रोड टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो रोड टैक्स दिल्ली में जीरो है। ओके, दिल्ली में किसी भी ईवी कार्स पे आपको रोड टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ओके, इवन हरियाणा एंड अदर जितनी भी स्टेट है उसमें आपको रोड टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ओके, क्या क्या है इसमें आप मेरे को बताओ। सर इग्निशन ऑन करो सर, इस साइड से ये इग्निशन ऑन करेंगे तो दिस इज ऑल, ओवरऑल सारी चीजें इसमें आ जाती है, कितनी रेंज है वो चीजें आ जाती है। देन अगर मैं सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सर ऑटोमेटिक सिस्टम आएगा इसमें। ओके, देन आर फॉर रिवर्स, एम फॉर न्यूट्रल एंड डी फॉर रिजर्व ड्राइव मोड। इकोनॉमी मोड के लिए कंपनी ने अलग से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर आप इकोनॉमी मोड पे ड्राइव करते हैं जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा रेंज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ क्या है, इकोनॉमी मोड ऐसा मोड होता है जो कार की एवरेज को और ज्यादा इंक्रीज करता है। ये है इकोनॉमी मोड। यस सर, राइट। देन टू ग्लास होल्डर्स अलग से हैं, वॉलेट्स के लिए, एनी हाउ कोई भी आप चीजें अगर रखना चाहे वो है। 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है सर इस साइड पे। देन चार्जिंग केबल यहाँ पे अलग है, रियर साइड अलग से। ओके, दोनों सॉकेट अलग से। ओके, एंड दीस आर वेरी बेसिक, मैनुअल एसी का जो है नॉर्मल है इसमें। देन 10 इंचेस का टच स्क्रीन है विद एप्पल कार प्ले, ऑटो एंड्रॉइड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहेगी। देन स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल आएंगे, स्टीयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल है या ये दिया हुआ है। देन इसमें एप्पल कार प्ले और जो ऑटो एंड्रॉइड है वो आपका वायरलेस रहेगा, कि आपने ब्लूटूथ से फोन अटैच करना है, देन वाईफाई ऑन रखना है। हाँ, तो आपकी फोन की स्क्रीन है वो सेम स्क्रीन आपके सामने। हाँ, एसी वेंट वही पुराने वाले हैं। यस सर, जो जो फिनिशिंग थी वही, जो पुराना मॉडल था हमारा C3 का सेम वैसे ही है, बट इसमें ये ईवी में इन्होंने वर्जन लॉन्च किया है। इसका ग्लव बॉक्स दिखाएंगे। यस सर, कितनी स्पेस है? ठीक है, मोर देन इनफ स्पेस है, मोर देन इनफ स्पेस है। ओके, इसकी फिनिशिंग देखोगे ये फिनिशिंग बढ़िया है। वाले मॉडल में अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें ऑरेंज कलर की फिनिशिंग भी आ जाती है। ओके, काफी सारी चीजें हैं मॉडल टू मॉडल, अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कार्स को, अलॉय व्हील्स लग सकते हैं, काफी रूफ व्हील्स वगैरह लग सकते हैं, साइड क्लैडिंग वगैरह ये सारी चीजें लग जाती है। राइट, यहाँ पे एक नॉर्मल अपना शीशा जी, इसके ऊपर ये अपना लाइट, लाइट, दीज आर क्वाइट नॉर्मल। एक आम आदमी की कार के, कार को ध्यान में रखते हुए ये वाला मॉडल निकाला गया है। 12.5 लाख रुपए में ईवी आपको मिल रही है। आई थिंक इंडिया में पहली कंपनी है जो 12.5 लाख रुपए में ईवी दे रही है। यस सर, देन 320 की रेंज है, अभी तक बेस्ट इन सेगमेंट है। हाँ, अभी हाँ, तक किसी ने इतनी रेंज में बनाई नहीं है कार। राइट, ये है गाइस इसका साइड मिरर है सर, साइड मिरर यहाँ पे दिया हुआ है इसमें नॉर्मल। ये ट्विटर रहेंगे सर, देन फोर दोनों साइड में ट्विटर, दोनों पे स्पीकर्स हैं एंड देन ट्विटर रहेगा। एक ट्विटर यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे, और चारों तरफ स्पीकर हैं। यस, एक आम आदमी की कार है ये। ये स्टैंडर्डाइज अगर मैं सेफ्टी वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो ड्यूल एयरबैग है, स्टीयरिंग साइड है एंड को ड्राइवर साइड है, ईबीएस विद ईबीडी ब्रेक्स टू है, वो स्टैंडर्ड फीचर है इसमें हमारे। ओके 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 ओके, एक बार पीछे से देखेंगे। लेग स्पेस की बात करें तो मोर देन लेग स्पेस है पीछे भी। ये यहाँ पे नॉर्मल शीशा, ऊपर नीचे विंडो बटन दिए हुए हैं। ये देखो अगर लेग स्पेस की बात करें, पीछे की सीट भी बहुत कंफर्ट है। देन रियर साइड ग्लास होल्डर अलग से है, देन रियर साइड चार्जिंग केबल अलग से है। ओके, इसके अंदर आके बैठ के फील अगर आप लेते हो तो पीछे से इसका कैबिन कुछ ऐसा लगता है।
11.5 लाख अगर इसकी एक शोरूम है और 12.5, तो अनबिलीवेबल डील है। पीछे से इसका कैबिन कुछ ऐसा है, राइट हो पीछे ये नॉर्मल अपना बॉटल, यहाँ बॉटल बॉटल वाला नहीं दिया हो ना यहाँ पे, बॉटल्स के लिए नहीं है ना ये, आ जाएगी बॉटल्स में आ जाएगी राइट। इसकी शेप थोड़ी वैसी दी हुई है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है बॉटल नहीं आएगी। ओके, और अगर इसका हेड स्पेस की भी बात करेंगे, हेड स्पेस की भी अगर बात करेंगे तो ठीक है यार, 12.5 लाख रुपए में फर्स्ट ईवी, 12.5 लाख रुपए में ईवी मिलनी बड़ी मुश्किल है आज की डेट में। आप कोई भी ईवी आप ट्राई करोगे 16 लाख रुपए से शुरू है और उसके ऊपर तो जितनी मर्जी आप ऊपर चले जाओ, 12.5 लाख रुपए ऑन रोड अगर आपको ये गाड़ी मिल रही है तो ऐसी डील मेरे को नहीं लगता कि मिलेगी। और स्पेशियस कार है, 315 लीटर का बूट स्पेस है सर, 315 लीटर का बूट स्पेस है, बूट स्पेस भी जबरदस्त है। ये व्हील कैप्स आ गए सर कार के, हाँ हाँ हाँ, इसके नीचे जो है वो आपको स्टफनी आ जाएगी, सेम साइज 15 इंच। इसको बाहर निकालो, अच्छा ये एक स्टफनी है, एक स्टफनी की जगह 15 इंच ही आएगा, कोई साइज चेंजेस नहीं होगा। राइट राइट, पीछे से लुक इसकी कुछ ऐसी रहेगी जबरदस्त। C3 और इस पे ये लगा दिया है इलेक्ट्रिक C3, पेट्रोल वाली C3 मॉडल है ये, E C3 सिट्रोन, वेरी गुड। साइड से आपको लुक दिखाऊं जरा मैं इसका, साइड से लुक है कुछ ऐसा, क्या जबरदस्त है यार, क्या जबरदस्त। सामने से लुक दिखाऊं तो सामने से लुक है कुछ ऐसे, अभी 3 दिन पहले लॉन्च हुई है, राइट। दिस इज डे टाइम रनिंग लाइट सर, डे टाइम रनिंग लाइट है, यस सर, ये स्टैंडर्ड कलर सेकंड मॉडल से स्टार्ट हो गई। ओके, और ये फॉग लैंप की ऑप्शन अलग से है, तो आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हो। ओके, लाइट देख रहे हो क्या जबरदस्त लाइट है, हाँ। ओके ओके, साइड से आपको दिखाऊंगा यार, एक आम आदमी के लिए और क्या चाहिए, 12.5 लाख रुपए में आपको ईवी मिल रही है, चार्ज करो और चलाते रहो बस। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो इसके लुक कुछ ऐसे है, सामने से लुक दिखाऊं तो ये ऐसे है कुछ, इसके लुक जबरदस्त है यार, 12.5 लाख रुपये में और क्या लोगे आप, 12.5 लाख रुपये में। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। हाँ, इसके टायर कितने बताए आपने, टायर 15 इंचज है सर, 15 इंचज, 15 इंच के टायर हैं इसके। और ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, 170 की ग्राउंड क्लियरेंस, 170 mm की जी ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत है यार इस सेगमेंट में, बहुत है, बहुत जबरदस्त बेस्ट क्लियरेंस है। कहीं आपको ऊबड़ खाबड़ रस्ते में भी जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन के लिए जाते हैं, हाँ सस्पेंशन सिस्टम वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा बढ़िया है हर पास। राइट, इसमें कितने मॉडल हैं, इसमें इसमें 2 मॉडल आते हैं सर, एक फील आता है, एक अपना एक लिव आता है और एक अपना फील आता है, जो आपके सामने है वो फील मॉडल है सेकंड, और जो दूसरा वाला मॉडल है वो लिव है, वो लिव है, हाँ, वो बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, लाइक वो किस रेंज में है, वो आपके 11.5 लाख से शुरू होता है, ये आपका 12.5 लाख से शुरू होता है। ओके 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 ओके, राइट ठीक है भाई जी। इसका थोड़ा सा मेरे को समझा दो क्या क्या है इसमें, क्या क्या दिया हुआ है, ओवरऑल जो एलिमेंट्स हैं लाइट, लाइटिंग का है, म्यूजिक सिस्टम का है, एवरीथिंग, जो वो सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, ये वाली बैटरी। ओके, जो ओवरऑल इंजन्स की रहेगी, इंजन के लिए बैटरी जो है वो बिल्कुल नीचे है, सीट्स के नीचे, इंजन वाली बिल्कुल सीट्स के नीचे, सीट्स के नीचे, चेसी पे, यस राइट, ठीक है सर। और ये यहाँ से अंदर से कुछ इसकी लुक ऐसे है भाई, ये इसके नीचे नीचे है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर को कवर करके, इसके नीचे नहीं दिखा सकते, पूरा कवर किया हुआ है, ये प्रॉपर कवर किया हुआ है, प्रॉपर कवर किया हुआ सिट्रॉन में। अंदर से इंजन की लुक है कुछ ऐसी, बैटरी की नॉट इंजन की। इसका कूलेंट है यहाँ पे, ये है कूलेंट यहाँ पे,
और दूसरी जो ईवीज होती है ना उसमें तीन तीन कूलेंट देखे हैं मैंने, जो दूसरी ईवीज होती है ना जैसे महिंद्रा की है एक्सयूवी 400 उसमें तीन कूलेंट है। तभी मैंने पूछा इसमें कूलेंट कितने हैं, इसमें कूलेंट एक ही है। राइट राइट।